हर चक्र जो है इट इज टेकिंग अस क्लोज टू अवर ट्रू सेल्फ. हर चक्र दिखाता है कि हमें हमारे अंदर जो परमात्मा है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है. टुडे वी आर अ पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी लार्ज कॉन्शियसनेस. हमें वो दिव्य परमात्मा के ही हम स्वरूप हैं एंड वी हैव कम हियर टू रियलाइज अवर सेल्फ. जो भी हमें नहीं अच्छा लगता वो हम है ही नहीं. किसको गरीबी अच्छी लगती है हाथ खड़ा करो. हम पॉवर्टी नहीं है. किसको स्ट्रगल्स अच्छे लगते हैं, किसको ऑब्स्टिकल्स अच्छे लगते हैं, किसको आलस करना अच्छा लगता है. भाई कोई है जिसको आलसी बनना अच्छा लगता है? एक बार मुझे चक्रयोग में एक पर्सन ने कहा था, मैम आप कहते हो कि डिसिप्लिन रहना, स्ट्रक्चर में रहना हमारा नेचर है, पर मैम मुझे तो मेरा कमरा गंदा होता है ना तब अच्छा लगता है. मैंने कहा आपने ना, यू हैव अलाउड द लेजीनेस इनडिसिप्लिन टू रूल हायर, बट इफ यू आस्क योर हार्ट, गंदा कमरा किसी को अच्छा नहीं लगता है. तो हमारा नेचर है मूलाधार में टू बी हार्ड वर्किंग, टू फेस अवर चैलेंजेस लाइक अ वॉरियर. आज पॉजिटिव होना, स्पिरिचुअल होना का मतलब ये नहीं है वी आर नॉट फाइटर्स. इफ इट इज मैटर ऑफ अवर सर्वाइवल वी आर गोइंग टू बी अ फाइटर. अगर हमारी जान पे आ गई तो हम तो रानी ऑफ झांसी हैं. यस ऑर नो? तो मूलाधार में, चक्र में हम सब कुछ सीखते हैं रिलेटेड टू सर्वाइवल. वी अंडरस्टैंड वी आर स्टेबल, वी आर सपोर्टेड, वी आर हार्ड वर्किंग. स्वादिष्ठान चक्र में आके हम क्या रियलाइज करते हैं? दैट एवरी वन हैज वोन अ ड्रेस. सबने एक ड्रेस पहनी हुई है. किसी ने डॉक्टर की, किसी ने ब्यूटिशियन की, किसी ने एस्ट्रोलॉजर की, और हमें ये ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता है. जैसे एक्टिंग करते हैं ना, चलो गेम खेलते हैं, मम्मी मम्मी खेलते हैं या फ्रेंड्स फ्रेंड्स खेलते हैं. वी लाइक टू प्ले गेम्स. सबने एक ड्रेस पहनी हुई है, बट इट इज नॉट वन ड्रेस. टुडे यू आर अ मम्मी ऑल्सो, बहन ऑल्सो, बीबी ऑल्सो, फ्रेंड ऑल्सो, एम्प्लॉयर ऑल्सो, एम्प्लॉई ऑल्सो. ये सब हमारी ड्रेस है, और हर ड्रेस के द्वारा हम स्वयं के बारे में सीखते हैं. जब हम मम्मी होते हैं तो सडनली एक लड़की रिस्पॉन्सिबल हो जाती है. जैसे उसके हाथ में बच्चा आता है, शी बिकम्स रिस्पॉन्सिबल. यस ऑर नो? जब वो बहन होती है, शी बिकम्स सो केयरिंग. जब वो बच्ची होती है माँ के पास, व्हाट डज शी बिकम? सो केयर फ्री. छोड़ ना, मम्मी है ना. व्हेन शी बिकम्स अ वाइफ, शी अंडरस्टैंड्स ड्यूटीज ऑफ बीइंग अ बहू, राइट, ऑफ बीइंग अ वाइफ एक्सेट्रा. थ्रू एवरी रोल यू आर लर्निंग अबाउट योर सेल्फ. पर हमारे साथ क्या होता है, ये सीखते सीखते हम डर जाते हैं. इट इज सो नेगेटिव, वी स्टार्ट सेइंग दैट, राइट? जब हमें डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं. इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मुझे इंसल्ट किया, इसने मुझे चीट किया, इसका कैसा व्यवहार है. तो हम क्या करते हैं, हमारी कंटिन्यूसली एक उंगली बाहर होती है. We are accusing people, we are blaming people, or we are blaming situations. आज सब लोग जब अपने फ्रेंड से मिलते होंगे, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड आफ्टर 5 मिनट्स सारे दुख दर्द बाहर. भैया आई एम फाइन क्यों बोला? एक्चुअली नो वन इज फाइन.
हमारे जो टिप्पे माइंड में होता है कि हमारे साथ गलत क्या हो रहा है, हम मौका ढूंढते हैं बताने के लिए कि मेरे साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है। हमें रियलाइज करना चाहिए देर इज नो प्रॉब्लम आउटसाइड, देर इज अ सल्यूशन इनसाइड। जो कुछ भी बाहर हो रहा है इट इज टीचिंग मी हाउ आई हैव टू हैंडल। किसी के लिए हमें वॉरियर बनना है, किसी के लिए हमें स्वादिष्ठान में खुद को रेस्पेक्ट करना है, किसी के लिए हमें विशुद्ध में कम्युनिकेट करना है, किसी के लिए हमें मणिपुर में पावरफुल होना है, किसी के लिए अनाहट में हमें डिटैच होना है, जा तुझे माफ किया, और किसी में हमें आज्ञा चक्र में एक्सेप्ट करना है, और किसी में हमें क्राउन चक्र में अपनी दिव्य क्वालिटी से उसका मतलब समझना है, मीनिंग। तो स्वादिष्ठान चक्र हमें समझाता है हाउ टू हैंडल डिफरेंट पार्टनरशिप्स। फिर हम आते हैं मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र इज द सीट ऑफ पावर। यहां हम रियलाइज करते हैं हमारे पास इनफाइनाइट पावर है, पर वो पावर कब उजागर होता है? आप कहोगे मुझे लगता ही नहीं मेरे में पावर है, पर आप देखो जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है एक सडन एनर्जी आती है, आई कैन फेस इट, यस और नो? वेन एवर यू आर इन प्रॉब्लम, योर फैमिली इज इन प्रॉब्लम, योर कंपनी इज इन प्रॉब्लम, योर बिजनेस, यू सडनली हैव पावर। बट यू ओनली हैव पावर वेन यू फॉलो धर्म, इफ यू आर ऑन द करेक्ट साइड। यस, अगर मां है अपने बच्चों को बचाने में शी हैज पावर। यस, इफ यू आर अ वाइफ अपने हस्बैंड की रक्षा करना, और इफ यू आर अ हस्बैंड वाइफ की रक्षा करना में यू हैव पावर। इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन एंड कॉम्पिटिटर्स आर ट्राइंग टू मिलाइन यू, यू हैव पावर। और अगर आपको कोई अटैक कर रहा है यू हैव पावर। पर पावर आता है when you surrender to धर्म, when you are on the path of धर्म। अगर आप अधर्मी हो you don't have power, but yes आप दूसरों को डरा डरा के उसको weak करके you can have power। Yes, गांधी जी when he decided to start the independence movement वो तो अकेले थे, right? ना उनके पास हथियार थे, एंड ही रियलाइज कि मैं हथियार तो उठा ही नहीं सकता ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट, बट बिकॉज ही वॉज ऑन द पाथ ऑफ धर्म एंड धर्म इज इंडिपेंडेंस फॉर माय कंट्री, तो क्या हुआ, उनसे लोग जुड़ने लग गए, इट बिकेम अ मूवमेंट। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। Lot of sections of society feel that we are not getting our due. But if they are on the side of power, they just have to continue on that path. Automatically unko support milega, log judenge, aur kuch na kuch hoga that their movement will get power. Ye hame faith hona chahiye, ye hame trust hona chahiye. Hame nahi sochna chahiye, mere paas aate hain kuch log, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, वट कैन आई डू, वो लोग तो बड़े बड़े हैं, किस सीट्स में हैं, इट डजंट मैटर। हमने हिस्ट्री में देखा है अ सिंगल वुमन हैज डन वट अदर पीपल कुड नॉट डू, सो वी हैव टू फर्स्ट नो वी हैव पावर एंड वी आर ऑन द करेक्ट साइड एंड देन वी हैव टू सरेंडर, इट विल हैपन। फिर हम आते हैं अनाहट चक्र में। अनाहट चक्र में लेसन्स हैं अबाउट ऑलवेज कीपिंग योर हार्ट ओपन। अनाहट, नेवर हर्ट इट। तो हम सीखते हैं कि कैसे हमारा हार्ट हमेशा ओपन हो, क्योंकि हार्ट ओपन होगा तो हम लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर हार्ट बंद होगा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे।
और अगर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम सीखेंगे ही नहीं। सीखेंगे नहीं मतलब हम ग्रो नहीं होंगे, ग्रो नहीं होंगे तो क्या होगा, वी विल बी स्टक। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उसे, मैम हम बहुत स्टक हैं, इतने सालों से मेरा बिजनेस उधर ही है, मेरा जॉब उधर ही है, आई एम नॉट ग्रोइंग। येस ऑर नो, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, राइट? कॉमन प्रॉब्लम है, कहते सालों से मेरी सैलरी सेम है, मेरा कुछ भी लाइफ में ग्रोथ नहीं है। चेक योर हार्ट भाई, ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इतने साल से कंपनी में काम कर रहे हो, राइट? इतने साल से कंपनी में काम कर रहे हो मतलब आप सेम काम कर रहे हो। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग इट मींस यू आर नॉट लर्निंग, यस ऑर नो? तो अगर हमारा अनाहत चक्र बंद ही रहेगा, हाउ कैन वी ग्रो? वी हैव टू बी ओपन टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। और हमने क्या सीखा, हाउ कैन वी बी ओपन? हमें कॉन्सेप्ट ही हटा देना है कि कोई हमें हर्ट करता है, कोई हमें बिट्रे करता है, बिकॉज इट इज अ परसेप्शन, इट इज नॉट द ट्रुथ। हमें सोचना है एक पर्सन एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है, हम उसे कह रहे हैं ये बिट्रेयल है, ये हर्ट है, भाई वो उसका नेचर है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है। जैसे आपके सामने शेर आ जाए, आप कहोगे शेर ने मुझे धोखा दिया, आप क्या करोगे? आप देखोगे शेर है, मैं क्या कर सकता हूं, उसको पालतू तो बना नहीं सकता तो उसको जेल में रख देता हूं। यू कैन हैंडल इवन अ शेर। पर हम लोग क्या है, हम किसी को देखते हैं और हम ऑल द टाइम वी फील बिट्रेड, वी फील हर्ट एंड वी डोंट एक्चुअली हैंडल द सिचुएशन, राइट? तो हार्ट के लिए हमें बिट्रेयल है, हर्ट है, एक्सपेक्टेशंस हैं, मिस्ट्रस्ट है, वो सारी चीजें हमें हटा देनी है। फिर हम आए विशुद्ध चक्र पे, दिस इज द चक्र फॉर कम्युनिकेशन। ये चक्र है जिसमें हम समझाते हैं और समझते हैं। मैंने क्यों यूज किया समझाते हैं? एक लेवल होता है हम बोलते हैं और सुनते हैं। आज बहुत सारे लोग जो यहां पर हैं वो केवल सुनते हैं, समझते नहीं है, इसलिए वो सालों साल बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं पर कुछ होता कुछ नहीं है क्योंकि केवल सुनते हैं। लॉट ऑफ पीपल दुनिया में आप देखो केवल डेटा कलेक्ट करते हैं, खूब सारा डेटा है, पता नहीं कहां कहां अटेंड कर चुके हैं। मेरे पास लोग आते हैं, मैं तो 20 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं। मैं कहा डेफिनेटली कुछ मिस्टेक है, फिर अगर 20 साल से कर रहे हो और अभी भी वही हो, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग। अगर आप सालों साल कहां कहां दुनिया भर के हीलर्स के पास जा रहे हो, थोड़ा सदगुरु सुन लिया, थोड़ा सा अवधूत बाबा सुन लिया, थोड़ा सा ये सुन लिया, थोड़ा सा वो सुन लिया, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, यू आर जस्ट रीडिंग, यू आर जस्ट लिसनिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर हम समझेंगे, एक क्लास बहुत है, वन टीचर इज इनफ। आप नोटिस करो हमारे बच्चे भी, हम उनको एक ही बात हर बार कहते हैं, बेटा कमरा साफ कर, कमरा साफ कर, कमरा साफ कर। कहते हैं मुझे पता है, फिर साफ क्यों नहीं है? क्योंकि वो सुनते हैं, वो समझते नहीं है। अब सुनने और समझने में बहुत फर्क है। सुनना तो क्या, ये ऑर्गन है, वो सुनता है, पर जो समझना है ना उसके लिए शक्ति चाहिए। कौन बताएगा कि समझने में, वाई डू वी नीड शक्ति, हु विल टेल? आप कहोगे जैसे सुनते हैं वैसे समझ लो, व्हाट इज द डिफरेंस? समझने में बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। व्हाई? परफेक्ट आंसर, आई वॉन्ट टू गिव यू अ क्लैप, बहुत अच्छा आंसर। क्योंकि अगर आप समझोगे आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। अगर आज आपने चक्रयोग की वर्कशॉप एक्चुअली समझी है, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग,
You should not know I am hardworking and you are lecturing your children. Beta, you should be hardworking or khud lete ho. Aise nahi chalega. Aaj sari workshop aap attend kar rahe ho, samajh nahi rahe ho. Please ask yourself. Kyunki agar aap samajh rahe ho, aap wo ban jaoge. You will become that. You will become hardworking. You will start respecting yourself. You will have power. You will start forgiving. You will open your heart. Because samajhne mein shakti chahiye. Samajhne mein shakti chahiye ki jo main samajh raha hu mujhe karna padega. Agar aaj aap samajh gaye ki main agni mein haath dalta hu to mera haath jal jata hai. Yes or no? Ye samajh aa chuki hai. Right? Aap agni mein haath daloge? Same, no? Simple. तो बहुत इसमें फर्क है. सिमिलरली जो बोलना है, एक होता है बोलना जस्ट फॉर द सेक ऑफ बोलना और एक होता है समझाना. हम चाहते हैं कि दूसरा पर्सन उसको समझे. जब हमारा इंटेंशन होता है कि दूसरा पर्सन समझे तो डेफिनेटली हमारी बात जो है दूसरे के दिल को छूती है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्यों बात करते हैं? ही शुड नो मुझे पता है. He should know मुझे आता है. हम जो फ्रेंड से बात करते हैं, गॉसिप करते हैं कंटिन्यूसली. अब एक्चुअली अपनी बातें देखो, कंटिन्यूसली यू जस्ट गॉसिपिंग. इट हैज नो पर्पस. इसकी बुराई यू आर कंप्लेनिंग. यू आर टेलिंग हाउ गुड आई एम, हाउ विक्टिमाइज आई एम. मेरे साथ क्या क्या ना इंसाफी हुई है, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है. जस्ट सी योर कॉन्वर्सेशन. क्या आपकी कॉन्वर्सेशन ऐसी है जिससे उस पर्सन का भला हो रहा है? क्या आपकी कॉन्वर्सेशन ऐसी है कि कोई पर्सन इंस्पायर हो रहा है? कि आप केवल अपने अंदर की नेगेटिविटी निकालकर उसको डाल रहे हो, फिर वो पर्सन भी उतना ही परेशान है. तो हमें सोचना है कि हमारा कॉन्वर्सेशन का पर्पस क्या है. व्हाट इज द पर्पस? डू वी वॉन्ट टू डंप नेगेटिविटी? Or we are trying to put someone down. We are trying to show someone you are worthless. तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया है. और हमारा intention है कि वो person बदले. Yes? जैसे suppose आपका एक worker है. It could be your driver, it could be your employee, anyone. Today he came to you after 2 days of holiday. Right? And he did not inform you. लेडीज होंगी तो नेफ्टली मुंह फूला होगा. खुद करना पड़ा कुछ, मुंह फूला होगा उनका. पहले से याद कर चुकी होंगी, इसको देखो मैंने दिवाली पे क्या क्या बोनस दिया था, मैंने क्या क्या इसके साथ किया था और इसने मेरे साथ क्या किया है. तो जैसे वो आएगी यू विल शाउट, यू विल टेल ऑल योर कटाक्ष शब्द. अगर वर्कर होगा आप उसको आते से यू विल कंप्लेन. यार बताना तो चाहिए था, इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, मैं तो उसको ले आता, उसको ले आता. पर आप सोचो आपका इंटेंशन क्या था. योर इंटेंशन वॉज टू चेंज हिम. पर होता क्या है कि वेन यू टॉक टू समवन विद रूड वर्ड्स ऑटोमेटिकली उसका ईगो भी निकल जाता है. ही ऑल्सो स्टार्ट डिफेंडिंग हिमसेल्फ. सर फोन तो किया था, नेटवर्क नहीं लगा. Right, he can tell any way to defend himself, but it is not changing him. Right? Agar hum soche, mera purpose hai ki mujhe isko badalna hai. I want to make him disciplined or more responsible. To hamare shabd ka chunav bhi different hoga. Yes or no? Hum pehle usko samjhenge ki woh kyon nahi aaya 2 din aur kyon inform nahi kiya. Fir usko apni peeda batayenge ki bhai isse dekho kitna mujhe mushkil ho gaya. फिर उसको समझाएंगे कि प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझे इन्फॉर्म कर दिया कर. राइट? इट्स अ वे ऑफ टेलिंग विल चेंज. यस ऑर नो? तो विशुद्ध चक्र दिखाता है कि वी हैव टू कम्युनिकेट. हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हम इमोशनल ट्रांसफर करते हैं. वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग इमोशंस. इट डजंट मेक एनी चेंज इन द सिचुएशन. अब हम आते हैं आज्ञा चक्र पे. ये चक्र जो है इट इज इन द मिडल ऑफ द फोरहेड.
इट इज लाइक अ थर्ड आई. ये दो आंखों से आप दुनिया देखते हो और ये तीसरी आंख से जो आप सच्चाई देखते हो. जो सच्चाई है वो ये नहीं है, सच्चाई इसके परे है. इट इज द ट्रुथ. आज हमारी आदत होगी, हम सिचुएशन देखते हैं, हम पर्सन को देखते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि हो क्यों रहा है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, हमें इसे क्या सीखना है. हम ट्रुथ से परे हैं, हम उस सिचुएशन में ऐसे घूम जाते हैं कि हमें सच्चाई नहीं दिखती है. इट इज द सिचुएशन बियॉन्ड व्हाट यू सी विथ योर टू आईज इज द थर्ड आई. ये जो आंख है एक इंसान में हमेशा बंद रहती है जब तक उसका एवोल्यूशन नहीं होता है, ये हमेशा बंद रहती है. इसलिए इस चक्र को अज्ञान चक्र भी कह सकते हैं. अज्ञानता में एक पर्सन माया में फंसा रहता है. जब तक यू आर इन इल्यूजन, जब तक यू आर इन माया, दिस आई कैन नॉट ओपन, राइट. और ये आंख जब खुलती है, जब आप सच्चाई देख पाते हो, राइट, तब आपको ट्रुथ दिखता है, आपको फ्यूचर दिखता है, आपको पूरी दुनिया दिखती है. यू कैन सी द होल स्टोरी एज इट इज. ये चक्र जो है, इट हेल्प्स यू टू मेक द करेक्ट डिसीजन, राइट. कोई भी सिचुएशन में व्हाट इज द करेक्ट डिसीजन. सपोज आई आस्क यू, करेक्ट डिसीजन है क्या? क्या करेक्ट डिसीजन वो है जो मेरे लिए अच्छा है एक सिचुएशन में, या मेरी फैमिली के लिए अच्छा है उस सिचुएशन में? व्हाट इज अ करेक्ट डिसीजन? ये दुनिया के लिए अच्छा है. हाउ डू वी टेक अ करेक्ट डिसीजन? यस, एक्चुअली हम सोचेंगे करेक्ट डिसीजन वो है जिससे हम सेटिस्फाई हो जाएं. यस, जो देखो, अगर हम सोचेंगे हम खुद सेटिस्फाई हो जाएं, तो खुद कौन? हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा अहम, कौन सेटिस्फाई हो जाए? इज अ करेक्ट डिसीजन विच इज फेयर टू एवरीबडी. आप समझो, यू कैन नेवर हैव अ डिसीजन विच इज फेयर टू एवरीबडी. किसी ना किसी को उससे नुकसान होगा. अगर आपका प्रमोशन हुआ तो हो सकता है किसी का प्रमोशन रुकेगा. यस और नो? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले जो करेक्ट डिसीजन होता है, इट इज धर्म. इट इज द हाईएस्ट धर्म. वो है करेक्ट डिसीजन. और जो करेक्ट डिसीजन है, जनरली आपके रेफरेंस से ही देखा जाता है. हम करेक्ट डिसीजन ये नहीं करेंगे कि मेरे डिसीजन से मेरे बच्चों को क्या फर्क पड़ता है. सबसे पहले करेक्ट डिसीजन का रेफरेंस आप होते हो, यू, और फिर पूरी दुनिया होती है आपके आसपास की. बट करेक्ट डिसीजन वो होता है विच इज गुड फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ द मोमेंट. उस समय जो सही चीज है वो होती है. और करेक्ट डिसीजन वो है विच विल इवॉल्व यू टू द नेक्स्ट लेवल. आपकी उसमें ग्रोथ होती है, उस डिसीजन में आपका प्रेजर्वेशन होता है. सारे सातों चक्र का लेसन का जो ट्रुथ है, दैट इज द करेक्ट डिसीजन. मतलब आपकी स्टेबिलिटी, स्वाधिष्ठान चक्र में आपका आइडेंटिटी, आपका पावर, वो सबको देखकर जो डिसीजन होता है, इट इज द करेक्ट डिसीजन, राइट. अब हमको करेक्ट डिसीजन कैसे लेना चाहिए? टुडे यू हैव गॉट फाइव थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ इट कुड बी फाइव ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. व्हाट इज द करेक्ट वे टू टेक अ डिसीजन? अगर मैं क्वेश्चन को और इलैबोरेट करूं, अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, राइट, अब हम जो करेक्ट डिसीजन कैसे लेंगे? कोई चॉइस जो है, इट इज गुड फॉर स्टेबिलिटी, को हमें कैसे सेपरेट करना है? अब ईगो बनता कैसे है? टुडे द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द आई, ईगो.
ईगो बनता कैसे है? क्योंकि आपके खुद के डेफिनेशंस हैं हर चीज के. जब आप कहते हो मैं क्यों, क्योंकि आपके अलग डेफिनेशन है. मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा ज्ञान, यस और नो, ये सब चीजें मैं बनाते हैं, राइट? हमें जो ये मैं हटाना है, वी हैव टू रिमूव द मैं. आज ये मैं हटाने का प्रोसेस से ही ये आई खुलेगी, एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. हमें एक एक चीज का जो मैं है उसको हटाना पड़ता है. आज हर चीज में हमको ईगो है. एक सिंपल चीज बात कर लो, शरीर, राइट? जिनको शरीर का ईगो है वो देखते हैं मेरा बॉडी, इसका बॉडी, इसके लुक्स, मेरे लुक्स. और बॉडी के साथ आती है स्थिरता, फैमिली, बच्चे, इसके बच्चे, मेरे बच्चे. अब इससे क्या होता है, कंपैरिजन आता है. व्हेन यू कंपेयर विद अदर्स, कैन यू बी सुपीरियर टू एवरीवन? नहीं, आप किसी ना किसी से तो नीचे हो ही. यस और नो, दुनिया का सबसे हैंडसम और सबसे सक्सेसफुल पर्सन भी किसी के नीचे है, यस और नो? तो क्या होता है, जब आपको ईगो होता है, यू कंपेयर विद अदर्स, समटाइम्स यू फील सुपीरियर एंड समटाइम्स यू फील इन्फीरियर, राइट? व्हेन यू फील सुपीरियर यू हैव मद, यू नो, ईगो, प्राइड. एंड व्हेन यू फील इन्फीरियर यू फील एंग्शियस, डेस्परेट, यू नो, यू गेट ऑल दीज इमोशंस. अब एक्चुअली क्या, इफ देर इज समथिंग हायर एंड समथिंग लोअर हर चीज में. किसी के एक्सपीरियंस होते हैं, कोई सोचता है देखो मैंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, ये लोगों को क्या पता इन्होंने कुछ ट्रैवल ही नहीं किया, दैट इज एक्सपीरियंस का. कोई पर्सन कहता है आई एम हाई क्लास सोसाइटी, मैंने तो सब देखा हुआ है, और ये क्या है? और फिर वो देखता है कोई और हाई क्लास सोसाइटी तो डर जाता है, फिर चुप हो जाता है. किसी को ईगो होता है ज्ञान का, मैंने तो कहाँ कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कहाँ तक. मेरे रिलेटिव हैं, उनको ईगो है पढ़ाई का. वो किसी को भी देखते हैं ना कि उनसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, वो इमीडिएटली जाके बुक्स पढ़ते हैं और उसकी डिग्री हासिल करते हैं. और अभी तक उनके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारी. और कहीं पर भी जाते हैं ही फील्स वेरी हैप्पी. वो हर पार्टी में लेडी साइड में हो जाती है, एंड ही इज ओनली टॉकिंग, एजुकेशन, नॉलेज. एवरीवेयर ही ट्राइज टू शो मुझे दुनिया के बारे में हर चीज पता है. बट दैट इज अ ईगो ऑफ नॉलेज. बट देन ही सो मच फुल ऑफ ईगो, ही कंटिन्यूसली ओनली टॉक्स, ही डजंट लिसन, एंड ही डजंट सी कि वो ईगो से बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ की जो है वो काफी इम्बेलेंस्ड है. तो होता क्या है, एक होता है ईगो ज्ञान का, मेरा ज्ञान और इसका ज्ञान तुच्छ, मेरी शक्ल इसकी शक्ल तुच्छ, मेरी सक्सेस इसकी सक्सेस तुच्छ, मेरे विचार, मेरे ओपिनियन इसके ओपिनियन, मेरी फैमिली, मेरा स्टेटस, मैं कहाँ से आया हूँ और इनका कैसा है, राइट? एवरी पर्सन हैज अ ईगो. उल्टा होता क्या है, व्हेनेवर यू मीट अ न्यू पर्सन यू विल फर्स्ट इवैल्यूएट ये कौन है, ईगो के हिसाब से, इसका शरीर, इसकी फैमिली, इसका स्टेटस, इसका एक्सपीरियंस. एक स्पिरिचुअल ईगो भी होता है, कितना मेडिटेशन करता है, कहाँ तक पहुँच चुका है, कितना ज्ञान है. इतने सारे अलग अलग ईगो हैं. अब मैं आपको जनरल बताती हूँ हमें ईगो कैसे हटाएं, हाउ. बहुत सारे ईगो हैं और ईगो एक बार में नहीं हटते हैं. वी कैन नॉट डू वन मेडिटेशन एंड रिलीज ऑल द ईगोस, नहीं कर सकते. एक एक को देखना पड़ता है और एक एक को हटाना पड़ता है. अब कैसे हटाएं? सबसे पहले ईगो हमारे साथ चिपका होता है बहुत सारे इमोशंस के साथ. व्हेन वी फील प्राउड वी हैव सो मेनी इमोशंस, एंड व्हेन वी फील लेस we have many emotions, right? और
ईगो जो है हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से डिपेंडेंसी क्रिएट करता है. जैसे किसी को शरीर का ईगो है, या तो उसको डिपेंडेंसी होगी, लेडी होगी तो मेकअप पे, या उसको डिपेंडेंसी दूसरों पे होगी कि भाई मुझे अप्रिशिएट करो. जहाँ भी जाओगे शी विल वेट, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, थैंक यू, आई नो इट. नहीं नहीं, आई एम नॉट ब्यूटिफुल. बहुत सारे लोग कहते हैं, नो नो आई एम नॉट, आई एम सेइंग यू आर ब्यूटिफुल. नो आई एम नॉट. ओके ओके, यू आर नॉट ब्यूटिफुल. सो एक तो दे बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स, क्योंकि दूसरे अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे तो उनका तो ईगो गया, राइट. तो या तो दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर एक्सरसाइज, उन्हें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, उन्हें कुछ ना कुछ ब्यूटी करना ज़रूरी है, एंड दे बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर अप्रिसिएशन. सिमिलरली माइंड का ईगो है, अगेन कहीं ना कहीं दे वॉन्ट पीपल टू अप्रिशिएट देम. तो हर ईगो जो है या तो तुम्हें लोगों पे डिपेंडेंट बनाएगा, या अपने जॉब पे डिपेंडेंट बनाएगा, कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंडेंट बनाएगा. हमें वो डिपेंडेंसी देखनी है और उसको मेडिटेशन में रिलीज करना है. एक तो हमें इमोशन देखना है और हमें डिपेंडेंसी को देखकर रिलीज करना है, और हमें रियलाइज करना है हम जो ईगो हो रहा है सबको. यू हैव सो मेनी डिफरेंट ईगोस. क्या आपने खुद को क्रिएट किया है? हैव यू क्रिएटेड योर बॉडी? हैव यू डिसाइडेड मुझे ऐसे फीचर्स चाहिए, ये हाइट चाहिए? हैव यू डिसाइडेड योर बॉडी? हैव यू डिसाइडेड कि मेरे क्या सेंसेस होंगे, मेरी क्या आइडेंटिटी होगी? हैव यू डिसाइडेड योर ड्रेस? इट इज गिवन टू यू, राइट. आपका शरीर आपको दिया गया है, आपकी फैमिली आपको दी गई है, आपके सेंसेस आपको दिए गए हैं, आपके एक्सपीरियंसेस आपको दिए गए हैं. एवरीथिंग इज गिवन टू यू बाय हिम. आप किस चीज का ईगो कर रहे हो? एवरीथिंग इज गिवन बाय हिम. व्हाई यू आर हैविंग दैट आई एम सुपीरियर और ही इज इंफीरियर? सपोज एक प्ले हो रहा है, ड्रामा, खूब बड़ा ड्रामा हो रहा है, इतना बड़ा, इट इज कवरिंग द होल अर्थ. अब ऊपर वाले ने डिसाइड किया है आप प्ले करोगे रोल एक क्लाउन का. यू विल प्ले मिनिस्टर, यू विल प्ले प्रिंस, यू विल प्ले किंग, यू विल प्ले वजीर. एवरीवन हैज गॉट अ रोल, राइट. वो ड्रामा है, सबको रोल मिला है, राइट. कैन यू से द किंग इज मोर हैप्पी बिकॉज ही इज मोर सुपीरियर? कैन यू से कि प्रिंस लकी है कि वो किंग का बेटा है? भाई फाइनली इट इज अ ड्रामा नो विच इज हैपनिंग. एवरी वन हैज गॉट अ रोल. आप समझ रहे हो? एवरी वन हैज गॉट अ रोल इन द ड्रामा. आज ड्रामे में एवरी वन इज जस्ट वेयरिंग अ यूनिफॉर्म. सच्चाई तो यही है कि एवरी वन इज द सेम कॉन्शियसनेस. मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ. हमारे पास पानी है समुद्र में, राइट. समुद्र में पानी है, आपने उस पानी को अलग अलग वेसल्स में डाल दिया. एक डाला बाल्टी में जिसे पोंछा कर रहे हैं, एक डाला बॉटल में क्योंकि पीना है, एक चला गया कार के लिए, एक चला गया गार्डन के लिए. क्या हर वेसल को ईगो रखना चाहिए कि देखो मैं तो बाल्टी हूं, ये तो मग्गा है, ये तो बॉटल है, अंदर तो पानी है ना? ये ही ट्रुथ है और कुछ ट्रुथ है ही नहीं. पर लोग क्या होता है, लोग देखते हैं अरे मैं तो बाल्टी हूं, ये तो तुच्छ बॉटल है, देखो मैं कितनी स्टाइलिश सी हूं, मैं तो गार्डन में जा रही हूं, ये तो किचन में जा रहा है, ये तो कार में जा रहा है. सो वी आर जस्ट कंपेयरिंग वो वेसल क्या है, वो वेसल का पर्पस क्या है, दैट इज द माइंड. वो वेसल के फीचर्स क्या हैं, आइडेंटिटी, वो क्या करने आया है. हर पानी जो वेसल है उसका एक पर्पस है, उसका एक दिमाग है पर्पस के हिसाब से.
Yes or no? If it is in a pipe, it will flow like a pipe. पर क्या होता है, हम ऐसे ही डांस कर रहे हैं, ऐसे ही ड्रामा हो रहा है हमारा, राइट? सो वी आर जस्ट जंपिंग, थिंकिंग दैट वी आर मोर सुपीरियर, और वी आर फियरफुल, वी आर मोर इंफीरियर. एक्चुअली हमारा जो सही रूप है ना, इट इज अ बंदर. हमारा जो सही रूप है ना, एक्चुअली इट इज अ बंदर. और हम बंदर की तरह ही हैं, और हम बंदर की तरह हर चीज कॉपी करते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं, सडनली जैसे एक चीज का मैं नाम लूं, सपोज आई जस्ट से चॉकलेट संडे. अब चॉकलेट संडे कहूंगी तो सबके अंदर अलग अलग विचार आएंगे. यस ऑर नो? एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट विचार. हु ऑल लाइक चॉकलेट संडे? रेज योर हैंड्स. बहुत ही कम. बाकी डोंट लाइक चॉकलेट संडे? नेक्स्ट टाइम पार्टी करेंगे, उनको देंगे ही नहीं. मुझे तो बहुत पसंद है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब हम चॉकलेट संडे या हम किसी भी चीज की बात करें, किसी को कहें 50 लाख रुपए, अब क्या होगा? सम पीपल विल फील, मैन 50 लाख. लेडीज कहेंगी, इन्होंने तो कभी दिए ही नहीं मुझे. एवरी वन विल हैव अ डिफरेंट इमोशन. सपोज आई टॉक अबाउट अ कार, a very fancy sports car. We talk about some very fancy, you know, beach house. We talk about traveling to Egypt. We talk about some very expensive jewelry. Har person ko alag alag emotion hai. Yes or no? Kuch sunke you are happy. Kuch sunke bolo yaar, mujhe to kabhi mil hi nahi sakta. Right? Kuch ko sunke, kuch baaton ko sunke, you will have fear. Suppose I say separation. Separation from someone you love. जिसे experience किया है, he will feel sad. जिसे experience करके overcome कर लिया है, he will say it's okay. होता है, होता है, it's okay. कोई surprised होगा, कोई shocked होगा, कोई sad होगा, कोई disappointed होगा. Yes or no? हर चीज के लिए आई कैन टॉक अबाउट एनी थिंग. ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, एवरी वन विल हैव अ डिफरेंट इमोशन, राइट? हर चीज के लिए, वेदर इट इज ईटिंग फूड, वेदर इट इज परचेजिंग समथिंग, वेदर इट इज सीइंग समथिंग, राइट? इट इज पोजेसिंग समथिंग, वेदर इट इज लूजिंग समथिंग, एवरी वन के पास अलग अलग इमोशन है. यस ऑर नो? That is ego. That is ego. और यही lessons है आज्ञा चक्र के. Why you are having emotions for these things? Because जब हमारे emotion होते हैं, तो वो चीज का जो व्यवहार है, it is as per emotion. Something like, suppose I tell something like getting a job. Right? Or I talk about stability. Stability. Lot of people have lot of fear. Getting a job is not easy. Stability hai hi nahi jeevan mein. There is so much of struggle. Yes or no? There are lot of people who don't have stability because they have lot of emotions. Right? Ab jab aapke emotion hoge, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी विल फॉलो अ पैटर्न. इट विल फॉलो अ पैटर्न एज पर योर इमोशन. समथिंग लाइक इफ यू फील 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, इफ यू थिंक 5 लाख इज अ बिग अमाउंट, 50 लाख छोड़ो, 5 लाख, इफ यू थिंक 5 लाख इज अ बिग अमाउंट, राइट? एंड इट इज समथिंग बिग, यू कैनॉट गेट इट. आप काफी कोशिश करोगे, यू विल नॉट गेट समथिंग लाइक 5 लाख, बिकॉज यू थिंक इट इज समथिंग बिग, इट इज समथिंग नॉन अचीवेबल, बिकॉज वो पैसा इधर है एंड यू आर हियर. लाइक कुछ लोग ना जॉब ढूंढते एंड दे टेल मी आई एम नॉट फाइंडिंग अ जॉब. मैं कहती हूँ व्हाई यू आर नॉट फाइंडिंग अ जॉब? कहते मैम मैं बहुत साल से एक ही जॉब में अटका हुआ हूँ एंड नाउ आई वॉन्ट अ हायर जॉब. Right?
कहते बहुत साल से माई कंपनी डिड नॉट गिव मी प्रमोशन, आई एम सर्चिंग फॉर अ हायर जॉब. राइट? डू यू थिंक ही विल गेट इट? बिकॉज ही थिंक्स ही वॉन्ट्स अ हायर जॉब. राइट? कभी भी दो लिक्विड्स का मर्जर हो सकता है अगर एक भारी है और एक हल्का है तो. इट हैज टू बी इक्वल. नो, आपको जॉब तो वही मिलेगा जो आपके जैसा है. सो इफ यू वॉन्ट दिस जॉब यू शुड बिकम लाइक दिस एंड यू शुड से आई वॉन्ट अ जॉब इक्वल टू मी. यस ऑर नो? तो लाइफ में क्या होता है, आपका जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपके जो इमोशंस हैं, वही पैटर्न फॉलो करता है. अगर पैसे को देखकर आपको दुख होता है, पैसा आपके जीवन में नहीं आता है. पैसे को देखकर आप हाइपर एक्साइटेड होते हो, तब भी नहीं आता है. पैसा तभी आता है व्हेन यू आर वेरी नेचुरल, व्हेन यू आर वेरी नेचुरल अबाउट इट. खरीद रहे हो लॉटरी टिकट 1 करोड़ की और बिलीव ही नहीं कर सकते 1 करोड़ मुझे मिल सकता है. आप बोलते हो हाँ मुझे 10,000, 50,000, 1,00,000 तक मिल सकता है. उतना ही मिलेगा. लाइफ कभी आपके बिलीव के बियॉन्ड कुछ नहीं देती है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमें हर चीज के बारे में जो इमोशन है उसको हटाना है. वेन एवर वी हैव एनी इमोशन और अ बिलीव सिस्टम, तो ईगो जो है इन्हीं डेफिनेशन से बनता है, इन्हीं डेफिनेशन से बनता है. सपोज हमें लगता है, आजकल बच्चे लोग क्यों एडिक्ट हो जाते हैं बाहर खाना खाने से, स्विगी से, राइट, जोमैटो से, क्यों? क्योंकि अंदर देयर इज अ बिलीफ सिस्टम कि बाहर का खाना इज स्पेशल, इट इज अ पार्टी. जब छोटे थे ना, बच्चों को कहते चल बेटा आज पार्टी, बाहर का खाना. अब पार्टी तो सबको चाहिए भाई, पैसे हैं उनके पास, तो दे हैव डेली पार्टी, डेली. आप देखो कभी भी घर में सेलिब्रेशन हो, आपका मन करता है केक मंगवा लें, राइट? और जबकि कोई खास पसंद नहीं आता इस उम्र में केक. यस ऑर नो? पर अंदर लगता है कि हाँ कुछ अच्छा सेलिब्रेशन है, एक प्रमोशन हुआ है, तो चलो केक मंगवा लें, बिकॉज इट हैज गॉट सेट इन द बिलीफ सिस्टम. पार्टी मीन्स केक. उस समय सब भूल जाते हैं डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल. हम ये नहीं सोचते कि आज पार्टी है, चल घर में अपन छोला पूरी खाते हैं. हम नहीं सोचते ऐसा. आज सैलेड पार्टी करते हैं, सैलेड पार्टी. हमें लगता है आज पनिशमेंट है सैलेड, जबकि सैलेड इज सो हेल्दी. तो आज हमारा जो ये बिलीफ सिस्टम हो गया है, पार्टी मतलब केक, बर्थडे मतलब गिफ्ट. आज हमारे, आजकल लोग गिफ्ट आधा नहीं देते, पर हमारी उम्र के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जन्मदिन मतलब गिफ्ट, और लोग पहुंच जाते हैं बिना गिफ्ट के, बहुत खराब लगता है. तो अंदर से जो हमारा बिलीव सिस्टम हो गया है ना कि तुम अप्रिशिएट इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें कोई गिफ्ट देता है, ये सब हमारा बिलीव सिस्टम है. इट इज जस्ट ईगो. ये हमारे जो पैटर्न्स हैं हर चीज के, आज्ञा चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें सारे पैटर्न देखने पड़ते हैं. अल्टीमेटली हमें होना पड़ता है शांत. हमारे अंदर के जो बंदर है ना, उसको शांत करना पड़ता है. क्योंकि बंदर क्या करता है, मैं वापस रिपीट करती हूँ, बंदर जो है वो कॉपी करता है. अब मैं समझाऊंगी आपको कॉपी क्या है. जैसे मैंने कहा, आपको हर सिचुएशन के लिए आपको कोई इमोशन है. खाना खाना, बहुत सारे लोगों को खाने के नाम से ही भूख लग जाती है, बिकॉज हमने सोच रखा है कि खाना खाने में बहुत मज़ा आता है. पर जैसे मेरे को बताती है मेरी बेटी है ना, खाना खाने के नाम से उसको खराब लगता है. इट्स अ बिलीव सिस्टम, तभी वो पतली सी है. हम खाना खाने के नाम से खुश हो जाते हैं, वो खाना खाने के नाम से दुखी हो जाती है. पर देखो, हमें ना खुश होना है और ना दुखी होना है, हमें वो करना है जो सत्य है. कौन खाना खाता है 6 बजे? तो हमें जो है सत्य करना है. अगर कोई खाने का नाम मेंशन करता है और टाइम 6 है, तो सॉरी नॉट फॉर मी. और खाने का टाइम 8:00 है, लाओ खाना
खाएंगे अच्छी तरह से, एंजॉय करेंगे. इट शुड बी सत्य. पैसा जो है 50,000 में हमें कोई खुश नहीं होना है और 5 रुपए का तिरस्कार नहीं करना है, राइट? सो क्योंकि हर पैसा जो है वो मौके का है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. आज अगर आप गोलगप्पे खा रहे हो तो नेचुरली आप 50,000 तो दोगे नहीं उसको, राइट? और अगर हॉस्पिटल में कोई सीरियसली बीमार है तो 50,000 भी कम लगते. हम डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर मेरा सारा पैसा ले लो, बस जान बचा दो, तब हमें 50,000 भी कम लगते हैं. 5-star होटल में खाना खाओगे, वो चाय के ही दे दोगे आप 150 रुपये, और सड़क पे वो बंदा कहेगा 10 रुपये, 10 रुपये चाय का, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. सिचुएशन में 5 रुपये भी ज्यादा लग सकते हैं और सिचुएशन में 50,000 भी कम लग सकते हैं, राइट? तो हर चीज में हमें, हर चीज हमें सोचनी है, ना कोई चीज बड़ी है और ना कोई चीज छोटी है, ना कोई चीज बहुत सुंदर है और ना कोई चीज बदसूरत है, ना कोई चीज एक्सपेंसिव है और ना, बहुत लोग कहते हैं ये दिस इज एक्सपेंसिव, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, राइट? तो उनके अंदर एक पैटर्न हो जाता है, एक्सपेंसिव आई कैन नॉट अफोर्ड, बट इफ यू नीड इट यू विल बाय इट, राइट? अगर हमने सोच रखा है कि नहीं मैं 50,000 जैसी चीजें नहीं अफोर्ड कर सकती, पर आज अगर आपने बिजनेस चालू किया है एंड यू नीड अ मैक लैपटॉप, वॉन्ट यू बाय इट? और क्योंकि आपने सोच रखा है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, यू विल नॉट इवन फाइंड द मनी टू बाय इट. हमें सोचना है इस समय मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, इट डजंट मैटर इफ इट इज 50,000 या 50,00,000. Whatever I need in the moment will be provided to me. आज अगर आपने सोच रखा है लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, इट इज योर थॉट पैटर्न. इट इज पॉसिबल यू हैव सिकनेस एंड लॉट ऑफ पीपल कम एंड सपोर्ट यू, फिर राइट? ये हमारा थॉट पैटर्न है, लोग हमें चीट करते हैं, लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, लोग हमें धोखा देते हैं, पीपल आर सेल्फिश. This is your thought pattern. हमें सारे thought patterns को एक एक करके देखना है और एक एक करके इनको burst करना है. Because the truth is, कोई selfish नहीं है, कोई selfless नहीं है. हर person जो है वक्त कम आ रहा है और वक्त के समय he can change. और वक्त के समय जो काम करता है वो है धर्म. हमें ट्रस्ट करना है धर्म पे, समय पे. हमें सिचुएशन नहीं देखनी है कि मेरे साथ हमेशा लाइफ में यही हुआ है. इंसान क्या देखता है, मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिला, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैंने स्ट्रगल किया, मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, मैंने कभी पैसे नहीं देखे, आई एम नॉट फाइनेंशियली लकी, राइट? मुझे रिलेशनशिप में इशू हुआ, आई एम नॉट लकी इन रिलेशनशिप, मेरे 4 बिजनेस फेल हुए, आई कैन नॉट डू बिजनेस. वी हैव टू अंडरस्टैंड हर सिचुएशन कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको सिखा रही थी. यू हैव टू गो एज पर योर, अगर आपको कुछ चीज नहीं मिली उसका कुछ कारण था, यू हैड टू लर्न समथिंग. Maybe it was not for you, right? Or you had to do it in a different way. Or maybe you had to do something different. तो हमें समझना है कि लाइफ में जो हमने पैटर्न बना रखा है हर चीज के लिए, चाहे वो घर हो. सपोज आपने सोचा कि यार बॉम्बे में 1 BHK का बस मुझे घर मिल जाए, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि 1 BHK इज अ बिग थिंग, राइट? तो नेचुरली इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू. बट इफ यू थिंक कि व्हाट आई वांट, क्या चीज सही है मेरे घर के लिए, वी आर अ फैमिली ऑफ 4 पीपल, सो वी शुड हैव एटलीस्ट 3 BHK और 2 BHK, यू विल गेट इट. बट यू हैव टू फर्स्ट बिलीव इन इट, बिलीव, यू डोंट हैव टू सी द पैटर्न.
अब जैसे मैंने कहा, आपको हर चीज के लिए यू हैव गॉट अ इमोशन, यस और नो? हर चीज से या तो आप एक्साइट होते हो, या सैड होते हो, या डिसअपॉइंटेड होते हो, या कहते हो तुच्छ है, या कहते हो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है. अब सपोज मैं आपके सामने कुछ रखती हूँ, सपोज आई कीप समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू विच इज, इट इज अ ब्लू कलर बॉल, राइट? ब्लू कलर बॉल, वॉट इमोशन यू हैव फॉर इट? वॉट इमोशन? ये ब्लू कलर की बॉल जो ये खाने की कुछ चीज है, इसको देखकर क्या इमोशन आ रहा है? ब्लू कलर की कुछ गोल सी चीज है, इसको खाने के लिए है, वॉट इज योर इमोशन? आपको इच्छा हो रही है ब्लू कलर की? Does everyone have a different emotion or you don't have any emotion? The truth is you don't have any emotion because आपने कभी खाया ही नहीं. Yes or no? आज अगर अलग अलग कारें हैं, अब हर कार के लिए आपका इमोशन है. नैनो को देख के करोगे छी, राइट? होंडा सिटी में कोई खुश होगा कोई दूसरी कार में. Yes or no? वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं की है उसके लिए आपके पास इमोशन नहीं होता है. ओनली सुषमा को खाना खाने का मन करता है. सो हमें देखना है कि जिस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, हमें क्या इमोशन होगा उसका. जैसे आप गांव वालों के पास जाओ जिन्होंने कभी टीवी नहीं देखा है, उनके सामने टीवी चलाना ऐसे देखेंगे दुखी, उनको समझ नहीं आएगा क्या है ये. पर हाँ, एक बार उन्होंने देखा, यार सबने टीवी देखा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, देन दे विल बी एक्साइटेड. समथिंग लाइक सपोज आप फ्रेंड के घर गए और उसने आपको एक पिलाया कश्मीरी कावा. अब आपने कभी तो पिया नहीं था, उस समय तो आपने ऐसे ही पिया, क्या पिलाया, मुझे तो अच्छी सी दूध वाली चाय चाहिए थी, यू नो. पर आपने उसको पी लिया किसी तरीके से. पर घर आके सोचा, फिर आपकी वाइफ आई, उसने कहा यार मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छा कश्मीरी कावा पिलाया, बहुत अच्छा होता है, पता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. अच्छा, अब क्या आपको इमोशन आया नेक्स्ट टाइम जाओगे फ्रेंड के घर, कश्मीरी कावा ढूंढोगे, कश्मीरी कावा? बिकॉज अब वो प्रगति जाग गई है. जैसे मुझे याद है मैं स्कूल में थी और हम लोगों ने पहली बार पिज्ज़ा खाया. इंडिया में तब तक पिज्ज़ा नहीं आया था और लगा कि ये क्या खिला रहे हैं, इतनी बर्बाद चीज़, खींच खींच के वो चीज़ ही खाई नहीं जाती. और बड़ी मुश्किल से किसी ने कहा दिस इज स्पेशल और करके हम इंडोनेशिया गए थे, खाया ही नहीं गया, थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाया और फाइनली जाके उसको पैक करके ड्राइवर को दे दिया. पर फाइनली इंडिया आए, देखा धीरे आफ्टर 2-3 साल इंडिया में पिज़्ज़ा आया और सब कूद रहे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा. अब ऐसे खाते हैं जैसे पता नहीं कल नहीं मिलेगा, आज आखिरी दिन है जो पिज्जा मिलेगा, वैसा खाते हैं सब लोग. बिकॉज यू नो इट हैज एंटर्ड द माइंड, इट इज समथिंग वेरी स्पेशल. मेरे बच्चे भी मंगवाते हैं ना स्विगी से, इतना शौक से खा रहे हैं, मैं जाके देखती हूँ, मैं कहा बेटा काला पुलाव ही तो है ये, पता नहीं उसमें ब्लैक सॉस डाल के पुलाव है. नहीं मम्मा, स्विगी. बड़े खुश होके खाते हैं, दिस इज दैट पॉट राइस. बिकॉज यू नो इट हैज एंटर्ड, इट इज समथिंग वेरी स्पेशल. जैसे मैकडोनल्ड का बर्गर है, ये सब चीज़ें हैं, राइट? तो हमारे मन में फीड किया गया है, इट इज़ हाई क्लास, इट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल. है 150 रुपये का, हमारी नहीं होगा. पर हमने ड्रेस पहनी हो, किसी ने कहा वाओ क्या लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है तू, तेरे पर तो ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, नाउ यू आर वेरी हैप्पी. हर बार यू विल ट्राई टू हैव डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक इन योर ड्रेस. एक्चुअली वी आर बंदर, वी आर कॉपी कैट. जब एक चीज दूसरी बार होती है ना तो हम कॉपी करते हैं उसको. पहली बार में वी हैव गॉट नो इमोशन. जब हम सेम चीज रिपीटेडली करते हैं और तब जाके हमें इमोशन आता है तो हम कॉपी करते हैं. हमारे सारे जो इमोशन है ना, इट इज अ कॉपी ऑफ द प्रीवियस.
हम किसी चीज से तभी खुश होते हैं जब हमने पहले उसको करा हुआ है. हम किसी चीज से दुखी तभी होते हैं जब हमने पहले किया हुआ है. यस और नो? जैसे कुछ लोगों को शॉपिंग करना नहीं पसंद है, लड़कियां तो चलो कैंसिल, आदमी लोग, दे डोंट लाइक शॉपिंग स्पेशली विद द वाइफ, बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वाइफ के साथ गए और वाइफ 10 चीज़ें रिजेक्ट कर रही है, ये नहीं वो नहीं ये नहीं, सो दे विल से आई हेट शॉपिंग. सो आपका हर इमोशन ऑफ हेट्रेड या खुशी, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से सेम चीज कहने की कोशिश कर रही हूँ. आपका कोई भी इमोशन नया नहीं है, इट इज लाइक अ बंदर, यू हैव डन इट बिफोर और आपने करके उसको डिफाइन कर दिया है. आई डोंट लाइक शॉपिंग, आई डोंट लाइक वेटिंग, आई डोंट लाइक अगर लोग मुझे इंतजार करवाते हैं, आई डोंट लाइक अगर ये होता है, मुझे ये नहीं पसंद खाना, मुझे ये पसंद है खाना. हमारे खाने के टेस्ट डिफाइंड है सबके. कोई कहेगा मुझे भारतीय पसंद है, कोई कहेगा मुझे चाइनीज पसंद है, कोई कहेगा मुझे ये पसंद है. हमारे खाने के टेस्ट डिफाइंड है, हमारे कपड़ों का टेस्ट डिफाइंड है, हमें क्या टीवी में देखना है वो डिफाइंड है, हमारे पैसे के डेफिनेशन डिफाइंड है, हमें बाहर क्या घूमना है, क्या पसंद है, क्या देखना है वो डिफाइंड है. हमारी हर चीज़ डिफाइंड है और जब तक डिफाइंड है ये चक्रा नहीं खुलेगा. जब तक डिफाइंड है ये चक्रा नहीं खुलेगा, बिकॉज दिस चक्रा इज क्लोज बिकॉज ऑफ सो मेनी डेफिनेशंस. और हम उन्हीं डेफिनेशंस के थ्रू दुनिया देखना चाहते हैं. वी डोंट वॉन्ट टू सी एनीथिंग न्यू. वो डिफरेंस है आपके और बच्चे में. बच्चे में कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको हर चीज़ अच्छी लगती है. उसको खेलना है, उसको चमची भी मिलेगी, करछी भी मिलेगी, कुछ भी मिलेगा उससे खेलेगा. उसको ज़रूरी नहीं है कि ही वॉन्ट्स अ वेरी फैंसी बॉल और अ वेरी फैंसी टॉय, ही विल प्ले विथ एनीथिंग बिकॉज ही इज़ इनोसेंट, ही इज़ सिंपल सिंपल. और जैसे जैसे ये चक्र खुलता जाता है ना, एक पर्सन सिंपल होता जाता है, सिंपल. जैसे एक एनलाइटेंड पर्सन है, एकर्ट टॉल, अगर आप चाहो तो उनके वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब में, एकर्ट टॉल करके हैं एंड ही बहुत अच्छी बातें करते हैं. उन्होंने बुक लिखी है पावर ऑफ नाउ, यूट्यूब में जाकर आप देखो. वो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे, उनकी वीडियो भी देखो ना, छोटी छोटी बात पर हंसते हैं, वैसे ही हंसते हैं छोटा छोटा. तो एक पर्सन का मैंने वीडियो देखा था जो उनके साथ गए थे, तो उन्होंने एकर टॉल को कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है. उन्होंने कहा ठीक है मेरे साथ चलो ऊपर. कहते मैं तो इंटरेस्टेड था उनको सुनने के लिए, पर ही वॉज इंटरेस्टेड छोटे छोटे फूल देख रहे हैं, छोटी छोटी बटरफ्लाई देख रहे हैं. बिकॉज यू नो जैसे जैसे ये चक्र खुलता है ना, आपको छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, राइट? छोटी छोटी चीज़ों में आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है. अभी हम इतने भराए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं, सब भाग रहे हैं. हमें अचीव करना है, हमें सक्सेस चाहिए, हमारे साथ ये ना हो जाए वो ना हो जाए. हम किसी पर्सन को भी देखते हैं ना, पूरा पर्सन देखते हैं. अभी तो टाइम ही नहीं है कि उसके कपड़ों की एक एक कड़ाई देखने का, समय ही नहीं है ना. समय किसके पास है भाई? सो वी डोंट हैव टाइम टू सी स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ बिकॉज वी आर सो बिजी. बिकॉज हमारे डेफिनेशन हो चुके हैं, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इन आर लाइफ वी हैव डिफाइंड. ये हमारे लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तुच्छ है. हार्डली यू स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्या है? जॉब, ऑफिस, काम पे जाना है, सक्सेस. बच्चों से भी मिलते हैं तो चलो मार्क्स कितने हैं, सक्सेस. वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन द स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ, कि छोटी छोटी बात पे हंसना, राइट? छोटी छोटी चीज़ें ऑफ लाइफ. फॉर अस नाउ इट हैज़ बिकम यू नो एग्जैक्टली हमारे को क्या आउटपुट मिल रहा है किसी चीज़ से. वी आर नॉट सीइंग द प्रोसेस, वी आर नॉट सीइंग द जर्नी, वी आर सीइंग द गोल. बिकॉज क्या हो गया है? बिकॉज हमने चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये तुच्छ है,
ये इंपॉर्टेंट है, ये तुच्छ है, राइट? सो बिकॉज यू हैव डिफाइंड थिंग्स, आपकी नजर वहीं जाएगी जो डिफाइंड है. वॉट एवर यू हैव डिफाइंड, नेचुरली वो अटेंशन अट्रैक्ट करेगा. सो यू आर ओनली जंपिंग फ्रॉम वॉट इज इंपॉर्टेंट. नहाने घुसते हो, वॉट इज इंपॉर्टेंट कि मैं नहा कर निकलू. कितना आपने साबुन तक देखा है कि कौन से साबुन से नहा रहे हो, राइट? छोटी छोटी बातें, साबुन क्या है, उसका झाग हो रहा है, वो पानी है, क्लीन कैसे हो रहे हो, वो एक्सपीरियंस है. एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस. जब खाना खाते हो तो बस खाना खाना है, बस. जब खाना खाते हो, छोटी छोटी चीज़ें, उसमें क्या स्पाइसेस हैं, उसमें क्या खुशबू है, उसका क्या ब्लेंड है, वो सब नहीं कोई देखता. बिकॉज डिफाइंड हो गया है. खाना खाना, टीवी देखना, सोना, उठना, ऑफिस, काम, सक्सेस. वो बीच में जो छोटे छोटे ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनको समझना, ठहरना, सबने बंद कर दिया है ठहरना. जो इंसान ठहरता है ना, ठहर, जब बंदर ठहर जाता है, उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है. हमें एक्चुअली जो है ठहरना है. ठहरना मतलब बस टिक जाना है. दिस इज द ओनली मोमेंट. यू हैव टू बिकम स्टिल. एवरी पर्सन थिंक्स कि मुझे कहीं जाना है, कुछ अचीव करना है. वॉट इफ हमें यहीं रहना है, तो यही समय है. तो सपोज हमें ना कुछ बनना है, ना कुछ, वी डोंट हैव टू बिकम एनीवन, ना हमें कुछ प्राप्त करना है. हम वैसे भी कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते, सब कुछ तो छोड़ के जाते हैं यहाँ पर. यस और नो? एक मैंने बहुत फनी वीडियो देखा, एक स्वामी जी से वन पर्सन वॉज सजेस्टिंग कि आज लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा होता है, जब वो मरते हैं तो उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो कहते हैं अगर हम उनको बताएं कि तुम्हारे जब अगला जन्म होगा हम तुमको ढूंढ के वो पैसा दे देंगे, तो कितना अच्छा बिजनेस है. वो बड़ा सीरियसली कह रहे थे. यस, तो रियल ट्रूथ है कि हम सारा सामान यहीं छोड़ के जाते हैं और हमारा एक्चुअली कुछ है ही नहीं. आज आपके पास 10 प्रॉपर्टी होंगी, कितने बैंक अकाउंट्स होंगे, साथ लेके क्या चल रहे हो? बस वो बदन के कपड़े, और क्या लेके चल रहे हो साथ में? जब सोते हो तब भी ऐसे सोते हो, राइट? जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी भर के आता है, और जब जाता है तो ऐसे जाता है. तो एक्चुअली हमारे पास कुछ है ही नहीं. इट इज ऑल हियर इन द माइंड. और जैसे जैसे हम अपनी ये डेफिनेशन, इमोशन को हटाना शुरू कर देते हैं, वी स्टार्ट जस्ट लिविंग इन द मोमेंट. कि दुनिया में हम कुछ प्राप्त करने नहीं आए हैं, कहीं पहुंचने नहीं आए हैं. हम नहीं चाहते कि हम कहीं पहुंचें या कुछ प्राप्त करें, अचीव करें, हमारे पास और लेबल हो जाए. MA, PhD और MPharm और पता नहीं क्या क्या लेबल्स लग जाएं, ऐसा कोई हमारा पर्पस है ही नहीं. वो भी छोड़ के जाना है. और जितना जितना हम समझेंगे कि हम सोच रहे हैं हम प्राप्त कर रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं कि उस ड्रामा में ये रोल हमें दिया गया है. और अगर हम जितना हम सरेंडर करते जाएंगे, वो रोल अपने आप हम जिएंगे. दैट रोल वी विल लिव. वो जो रोल है वो हमारे द्वारा खेला जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है उसके लिए. वी जस्ट हैव टू सरेंडर एंड लेट द रोल बीइंग प्लेड. वी शुड अलाउ द रोल टू बी प्लेड. तो ये जो चक्र है, इट इज अबाउट सीइंग द ट्रुथ. जो कि हर चीज जो हो रही है, इट इज हैपनिंग सो दैट आप स्वयं को पहचानो. इट इज हैपनिंग सो दैट आप देखो ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है, मुझे क्या मेरे बारे में समझा रही है. बट होता क्या है, क्योंकि हमने डेफिनेशन बना रखे हैं, हम डिसीजन लेते हैं एज पर डेफिनेशन, राइट? यू फॉलो द डेफिनेशन, यू डोंट सी द ट्रुथ.
बट हमें क्या करना है, हमें हर चीज़ से इमोशन हटाना है. वी हैव टू रिमूव इमोशन फ्रॉम एवरीथिंग एंड वॉट वी हैव टू सी, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है. अब जस्ट बिकॉज यू हैव डेफिनेशंस, कोई भी चीज़ अगर आपके डेफिनेशन से मैच नहीं करती तो आपको क्या होता है, यस यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट, यस और नो. अगर कोई चीज़ आपके डेफिनेशन से मैच नहीं करती, जैसे आपने डिसाइड कर रखा है अ पर्सन इज गुड टू मी, ही हैज़ टू रेस्पेक्ट मी, राइट. आपने कुछ डेफिनेशन बना रखा है चीज़ों का, वेदर अ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और अ सिचुएशन. अगर वो सिचुएशन आपके मुताबिक नहीं होती तो क्या होता है, यू हैव अ नॉन एक्सेप्टेंस. आप कहते हो आई कैन नॉट एक्सेप्ट, राइट. समथिंग लाइक आपने डेफिनेशन बनाया कि मेरे बच्चे को हमेशा अच्छे मार्क्स आने चाहिए और आपका बच्चा लेकर आया डी ग्रेड, राइट. तो क्या होगा, यू कैन नॉट एक्सेप्ट, यस. आपने वाइफ को कह रखा है कि मुझे खाने में ये चाहिए और आपने देखा कि बिल्कुल उल्टा, घास फूस और खिचड़ी. सो व्हाट हैपेंस, यू से आई कैन नॉट एक्सेप्ट, राइट. यू आर द बॉस ऑफ अ कंपनी एंड आपने एम्प्लॉयज को कह रखा है एवरीवन विल बी डिसिप्लिन एंड विल कम ऑन टाइम. सब खींच खींच के पहुंच रहे हैं 11 बजे 10:30 बजे. क्या होता है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट. आपको काम पे जाना है, आपने अपनी मेड को कहा है कि भैया मुझे काम पे जाना है तो प्लीज़ 7 बजे आ जाना, शी डिड नॉट कम और आपका टाइम हो गया है जाने का. क्या होगा, यू कैन नॉट एक्सेप्ट. और ये तो बहुत बड़ी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं. आप देखो आप पूरे दिन में 90% टाइम्स यू कैन नॉट एक्सेप्ट, 90% टाइम्स. ट्रेन में इसने धक्का दिया, आई कैन नॉट एक्सेप्ट. मेरे को सीट नहीं मिली, आई कैन नॉट एक्सेप्ट. मैं लेट हो गया, आई कैन नॉट एक्सेप्ट. इसने मुझसे कैसे बात की, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे क्या काम दिया. एवरी मोमेंट यू से आई कैन नॉट एक्सेप्ट, यस और नो. और जैसे ही हम कहते हैं आई कैन नॉट एक्सेप्ट, हमारा जो आज्ञा चक्र बंद. और आज्ञा चक्र जो है वो हार्ट चक्र के साथ काम करता है, तो हम कहते हैं आई कैन नॉट एक्सपीरियंस ऑल्सो, दोनों बंद हो जाते हैं. आपका पूरे दिन आपका आज्ञा चक्र बंद, आपका हार्ट चक्र बंद, बिकॉज हर मिनट यू से आई कैन नॉट एक्सेप्ट. बच्चे का बिहेवियर, स्पाउस का बिहेवियर, नेबर्स का बिहेवियर, स्ट्रेंजर्स का बिहेवियर, ऑफिस में बिहेवियर, खुद का बिहेवियर, पूरे दिन की जो दिनचर्या है, पूरे टाइम यू से आई कैन नॉट एक्सेप्ट. योर हार्ट इज क्लोज, आज्ञा चक्र इज क्लोज. और हमें करना क्या है, हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना है, हर चीज को. अब सोचो कितना डिफिकल्ट है. हमें हर चीज़ को पहले एक्सेप्ट करना है और फिर देखना सल्यूशन क्या है. जैसे आपने बोल दिया था मेड को आने के लिए, शी डिड नॉट कम, एक्सेप्ट, शांत, राइट. देखो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है मैं फटाफट खाना कुक करती हूँ, आई विल टॉक टू हर लेटर. देन टॉक टू हर कि भाई क्यों नहीं आई, और फिर देखो कि यस उसको जेन्युइन इश्यूज हैं. Either get a new maid, या have two maids coming, या फिर खाना जो है वो रात की तैयारी कर लो, do preparation in the night. Yes or no? You will have to find a system. Every time you have a problem, a system comes in place. कि मेरे मुताबिक काम नहीं हुआ, what solution I have? Can I change her? Can I explain to her? Can I transform her? Can I bring a new person? Or can I change the way I work?
maybe I will just prepare my tiffin in the night. I will just cook and take it. I will heat it and take it. System ban gaya. Ek person ka behavior jo hai, usko pehle accept karo aur phir socho mujhe kya karna hai. Right? Ya to usko samjhao, ya usko darao, ya usko chhod do. पर क्या होता है जो हमारे अंदर से निकलता है ना, आई कैन नॉट एक्सेप्ट, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और वो कहाँ से निकलता है? डेफिनेशन से, जो हमने डेफिनेशन बना रखी है. बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, बच्चों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हस्बैंड को बीबी को गिफ्ट देना चाहिए, इसको ऐसा बिहेव करना चाहिए, उसको ऐसा बिहेव करना चाहिए, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, उसने ये किया. सो हमें क्या करना है, ये डेफिनेशन से निकलना है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. जब हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये चक्र ब्लॉक हो जाता है. और होता क्या है जब ये चक्र ब्लॉक होता है, जिनका चक्र ब्लॉक होता है, दे आर प्रोन टू हेडेक, यहाँ सर दर्द होता है, दे आर प्रोन टू साइनस. राइट, साइनस इश्यूज जिसको होते हैं, हेडेक होता है और उनका गुस्सा जो है बहुत हाई होता है, गुस्सा. और ये चक्र जो है बेसिकली इसके रूलिंग प्लैनेट कौन है, डरते हैं. ये शनि है, इसके लिए ही हम पहनते हैं नीलम. और ये चक्र में दो पेटल्स होते हैं, इट जस्ट शोज द duality, it has two petals. और ये चक्र बेसिकली हमें सिखाता है accept everything, come out of all your definitions, because जब तुम accept करोगे you will see the truth. और जब truth देखोगे you will take the correct decision. और सब कुछ तो decision है life में, yes or no, life में हर चीज तो decision है ना. Today you decided to come on a Saturday. It is a decision. Lot of people thought of coming but they did not. It's a decision. और हर चीज में हमें decision लेना है. Office में भी जब काम करते हैं, हर second we are taking a decision. ये काम को ऐसे करें कि ऐसे करें. और ये चक्र को कहते हैं आज्ञा चक्र. आज्ञा चक्र मतलब, आज्ञा का मतलब हिंदी में क्या होता है? Command. ये चक्र जो पर्सन मास्टर करता है, ही बिकम्स कमांड, ही गेट्स अ कमांड ओवर हिज लाइफ. क्योंकि ये चक्र ही है जो सारे सेंसेस से कनेक्टेड है. अगर आप कहते हो आई कैनॉट एक्सेप्ट, आपका चक्र बंद हो जाता है. पर जब आप कहते हो आई एक्सेप्ट, यू गेट द कमांड, यू गेट द पावर टू चेंज द सिचुएशन.